और एक कंपैरिजन बिटवीन अ डॉलर पेन, डॉलर का एसपी 10 है मेरे पास एक तरफ, और एक तरफ है मेरे पास शार्क का, ये बिल्कुल शार्क वाला ही पेन, ठीक है। तो हम लोग कंपैरिजन करने के लिए तो हम उनकी चेक करते हैं बिल्ड क्वालिटी, उसको हम देखेंगे राइटिंग में कौन सा अच्छा लिखता है, फिर जो है कौन सा इंक लीक नहीं करता और कौन क्या करता है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। तो मैंने ये खोला है अभी शार्क का पेन, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है शार्क के पेन की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ही अच्छी है। ये आप जल्दी देख सकते हैं बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। और पकड़ने में ग्रिप की बात हम बाद में करेंगे, अब बारी आती है हमारे इसकी मीन्स ये डॉलर SP10 की। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सीधा रखो मेरे पटना, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इसके मुकाबले नहीं, इसका मुकाबला नहीं कर सकती कि ये हमें, और हम इसकी प्राइस की बात करेंगे और देखेंगे कौन ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। सो अब हम इन दोनों में इंक भरने वाले हैं, जो हम इंक जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डॉलर, ठीक है। हम दोनों भरते हैं। वैसे अब जो है ये मेरी पहली कंपेरिजन वीडियो है, उसके बाद मेरी और भी वीडियो आती रहेंगी कंपेयर वाली, ठीक है। मैं स्टेशनरी कंपेयर करके आपको बताऊंगी कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है। तो मैं इसे सबसे पहले भरते हैं इंक, दिखाओगे तुम भरते कैसे, इसे घुमा के कुछ इसे इंक भर लेनी है, ठीक है। इंक भर ली है इसमें, इसके बाद इसको जो कैप से बंद कर देते हैं। और इसकी ये अच्छी बात है कि इसको जो है आराम आप आराम से जो है इसको अभी इसे मैं साफ कर लूँ जरा एक मिनट, ठीक है। मैंने यहाँ से साफ कर ली अच्छे से, ठीक है। जो इंक तो बड़ी आराम से भर गई है, इसमें भी अब मुझे राइटिंग वगैरह चेक चेक करने में तो इस तरह पता कुछ नहीं लग रहा। हाँ, तो अब हम इसमें भी हम इंक भर के चेक करते हैं कि इसमें कैसे इंक भरी जाती है। इसमें आराम से अपने इसे करने में इंक भर जाती है, ठीक है। बने इसको भी हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको कैप लगाने के बाद विद नोट पैड हमारी फर्स्ट है, तो फर्स्ट है ना बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी ज़्यादा अच्छी लगी एकदम शार्क की क्योंकि शार्क की कंपनी से ही हमें मिलता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी वर्सेस इतना बहुत अच्छी है। तो अभी हम सेकेंड है राइटिंग टेस्ट जो हम करने वाले हैं, तो हम उसमें मिलते हैं 3-2 चेक करते हैं इनकी राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ले लिया है यहाँ पे शार्क पेन स्टाइल शार्क का जो है, यहाँ पे नाम हमारा जो देख सकते हैं एस, हम लिख के दिखा देते हैं आपको। ये बहुत बारीक बारीक लिखता है, बहुत अच्छा लिख रहा है, ये एच भी लिखा है हमने, शार्क लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। शार्क इंक पेन, ठीक है। दोनों ही ड्रॉइंग राइटिंग भी और दूसरी राइटिंग भी दोनों ही बहुत अच्छी आ रही हैं इससे, शार्क पेन, ठीक है। इसी में मैं आपको एक जब एक ड्रॉइंग राइटिंग लिख देते हैं और एक तरफ हम लिख रहे हैं दूसरी राइटिंग, ठीक है। देख सकते हैं कितनी अच्छी राइटिंग आ रही है, बारीक बारीक सी है, ना ज़्यादा मोटी है और ना हाँ बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत अच्छी राइटिंग आ रही है इससे, आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि ये है ना इस पर हम फिर रिमूवर टेस्ट भी करेंगे कि कितना को रिमूव हो जाएगा इजीली, ठीक है। शार्क इंक पेन, ठीक है, ये मैंने लिखी है ड्राइंग राइटिंग में, हम दूसरा भी लिख के देख सकते हैं। दूसरा भी ये बहुत अच्छा लिख रही है शार्क इंक, शार्क इंक पेन, ठीक है। हम यहाँ पे जो इसको करते हैं इसका तो हमने काफ़ी ही अच्छा इसका रिजल्ट आया है हमारे सामने, ये आपको दिखाती हूँ एक मिनट, ये देखते हैं इसका तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। अब बारी आती है हमारे डॉलर के पेन की, डॉलर SP10 की, मतलब डॉलर में और भी मिलते हैं जैसे कि डॉलर SP100 यानी कि डॉलर ब्लेस भी होता है,
पर अभी हमने इनका कंपेरिजन किया, अभी और कंपेरिजन वीडियो आने वाली है। आप इसकी देख सकते हैं राइटिंग बहुत इससे ज़्यादा नीट नहीं है, इसकी राइटिंग इस एज कंपेरिजन टू इस ये थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मोटी लग रही है, बट अभी हम इसे लिख के देखते हैं नाम अच्छे से। पहले मैं लिख रही हूँ दूसरी राइटिंग डॉलर SP10। डॉलर SP10 ठीक है, हमने दोनों तरफ से डॉलर SP10 लिख लिया है दोनों राइटिंग में। शाक वाला भी तो दोनों में लिखते हैं ठीक है, ये दोनों ही एक इंक पेन है, कोई कॉटन वाला नहीं है। हम कॉटन पेन की भी लाएंगे आप लोगों के लिए। तो इन डिफरेंस इनका डिफरेंस है, मुझे बिल क्वालिटी में भी शार्क में अच्छा लगा था, राइटिंग में भी। अब इस बात करते हैं इनकी प्राइस की। तो जो शार्क है मुझे जो मैंने यहाँ शार्क को लिया है ऑनलाइन और मुझे मिला है 310 रुपीज़ का, और मैंने डॉलर पेन को लिया है ओनली 45 रुपीज़ का। तो इनमें जो इनकी जो वो है प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिस तरह कि आप देख सकते हैं इतना डिफरेंस है कि देख लें आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इनमें। इसकी प्राइस क्वालिटी इसकी प्राइस की वजह से क्वालिटी का भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और ये हम एक नॉर्मल पेन है और एक ये बहुत डिजाइनिंग वाला पेन है, और ये शाइन भी करता है, देखें इन द सनलाइट मैंने इसे रखूँगी तो ये शाइन भी करेगा, आप देख सकते हैं मैंने सब की सनलाइट में देखें कितने अच्छे से शाइन कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं इनको रिमूव करने के लिए ठीक है। तो रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ लिख लिया, पहले हम दूसरे आइटम में लिख चेक कर लेते हैं, मैं दोनों में इस तरह कर दूँगी ठीक है। सब्सक्राइब चैनल हम लिखते हैं, समझो मैंने गलत दी इसकी स्वाइनिंग ठीक है, तो मैंने अब ठीक करना था, मैं इसको करने वाली हूँ ठीक है। तो मैं दोबारा लिखती हूँ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस ठीक है। मेरी समझ मेरी राइटिंग ख़राब हो गई यहाँ पे ठीक है। अब मुझे करना है इसको रिमूव, इसी वजह लिख देते हैं यहाँ पे डॉलर में भी लिख देते हैं हम सब कराए फोर मोर मेरा मैंने मोर को माउल माउल लिख दिया कि माउल फॉर मोर वीडियो ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ ये हमारा एक मैसेज भी आप लोगों के लिए ठीक है वीडियोज़ ठीक है। अभी हम लोग रिमूव कर देखते हैं विद जो मैं रिमूवर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है डॉलर करने जो मैंने रिमूवर लिया है वो है सैनिका को इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट कलर मिलते हैं, मैंने ले लिया इसमें ग्रीन कलर। हम करके देखते हैं इसमें रिमूव, देखिए बहुत ही इजीली मैंने एक लेयर लगाऊंगी सिर्फ ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने एक लेयर लगाई तो ये नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरी लेयर लगा रही हूँ तो फिर ये कुछ कम हुआ है। इसमें भी कुछ इस तरह ही है कि एक लेयर लगा नहीं हो रहा, तो दो तीन लेयर लगाई हैं तो ही अच्छे से जो है ना ये हो गया ठीक है। अब बारी आती है हमारे इस पेन की, इसमें मैंने 1 2 3 4 लेयर लगाई हैं तो ये मिटना सा शुरू हुआ है, 1 2 3 4 चार पे भी ये अच्छे से मिटा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर हम हल्के एक लेयर लगाते तो इसका कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है, इसमें बिल्कुल ठीक से मिट नहीं रहा है एक लेयर में ठीक है। तो अब इन लोग रिजल्ट्स के जो है ना रिमूव होने का ज़्यादा शाक ही है
शार्क वैसे आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा, या ये बहुत बड़े बड़े स्टोर्स वगैरह में मिल जाता है, या फिर ऑनलाइन से मंगा सकते हैं, ये आपको हर छोटे से छोटे स्टोर पर मिलने लगा। मैंने भी इसे एक बहुत छोटे से स्टोर से लिया है, एक जनरल स्टोर से भी आई थॉट से मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सराउंडिंग में मिल जाता है। ये 45 रुपीज़ का, और ये जो है 3 टन के। तो आपको जो तो मुझे वर्थ जो लगा है वो मुझे पसंद तो ये वाला आया है, जो मुझे ये पसंद आया है। बट अगर आपको ये कॉस्टली आ रहा है तो ये उसके प्राइस में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, और एस वैल्यू है, मुझे तो ये लगा, ठीक है, बाकी आप अपनी आपको इजीली मिल जाए वो ले लें, ठीक है। सो आज के इतना ही, लाइक सब्सक्राइब, बाय।